मास्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सुबह सुबह जज्बाती हो कि मैंने क्लीन शेव तो कर ली है, लेकिन अब मैं सोचूं कि मैंने क्या किया। फील्स गुड, लेकिन छिला हुआ आलू वाला सीन लगता है ना। खैर, एनी हाउ, वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। दिस इज सेकेंड डे, आज हमारा दूसरा दिन है स्कर्दू में। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे सुबह, और कल हमारा दिन तो था वैसे कि हम स्कर्दू घूमेंगे और यहाँ की जो हमने जगह विजिट करनी है वो हम कल करेंगे, लेकिन कल का सारा दिन रेस्ट में चला गया। तो आज के दिन में हमने ये करना है कि हम दो चीज़ें रखेंगे। एक, हमने कोल्ड डेजर्ट में जाना है असर के टाइम, और हम सनसेट कोशिश करेंगे कि हमारा वहीं पे गुजरे और हम रात का खाना भी वहीं पे खाएं। उससे पहले हम आज के दिन के लिए एक ही जगह रखेंगे, या हम खपलू चले जाएंगे, या हम शिगर चले जाएंगे, या एक दो और भी ऑप्शंस हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे। रास्ते में अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है जहाँ रुकने का दिल करता है, या सब बॉयज़ कहते हैं कि रुकना चाहिए, तो फिर वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन प्लान यही कि आज के दिन की दो चीज़ें, और क्योंकि अब इसके बाद हमें स्कर्दू से मूव करना है। कल का दिन तो रेस्ट हो गया, आज का दिन यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे। तो स्कर्दू के लिए हमारे पास दो दिन थे, मूव फॉरवर्ड करेंगे आज रात को या कल सुबह। लेकिन मेरा ख्याल है कि रात को ही हम निकल जाएं, क्योंकि रात को ट्रैफिक भी नहीं होती। जीबी का एरिया बहुत ज़्यादा सेफ है। अच्छा, क्या है मास्क, जीबी का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, उसमें एज सच कोई भी इशू किसी भी टाइम पर ट्रैवल करने का नहीं होता। बस ये कि ड्राइविंग का थोड़ा एहतियात करना चाहिए, रोड्स कुछ जो हैं वो थोड़ी सी डेंजरस हैं, स्लाइटली। एंड वी आर बैक एट फेमस कोयटा बल्तिस्तान कैफ़े फॉर द ब्रेकफास्ट। कल यहाँ पे नाश्ता किया था और उसके बाद हम सारे बॉयज़ इसके हो गए हैं फैन। कल वाले व्लॉग में मैंने सारा दिखाया भी था कि खाना शाना कैसा है। स्कर्दू आए हो तो दिस इज़ अ मस्ट डू थिंग, यहाँ पे नाश्ता करना, चाहे आप किसी भी जगह ठहरे हो, नो मैटर हाउ गुड डैट प्लेस इज़, बट एक दिन मेरे कहने पर, मेरी रिकमेंडेशन पर यहाँ आके नाश्ता ज़रूर करना। यू वॉन्ट रिग्रेट इट, बट यू विल थैंक मी लेटर। यार, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बचपन के हमारे जिगर हैं, जिगर जाफर भाई, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज एक्सेलेंट। लेकिन वो कुछ इस तरह का कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसमें बड़े बड़े प्राइवेट बातें होती हैं। लेकिन इनकी वजह से ना हर बंदा इस ट्रिप पे इतना लुत्फानंदोज हुआ है, विश कि आपको भी कर सकते। आज ये आ गए हमारी गाड़ी में, पहले ये अपनी गाड़ी में इन्होंने काफी दिन गुजारे हैं, अब ये तंग आके इधर आए हैं। क्यों आए आप? वजन एक आपका अली नाम का लड़का ठीक है, महाल की भी है और वाहिद मेरी गाड़ी को टांगा समझा हुआ। अपनी गाड़ी को गाड़ी, मेरी गाड़ी को गाड़ी नहीं है जी। क्या गाड़ी किया आपकी गाड़ी के साथ, लोगों को बताया कि उन्होंने तो नहीं देखा? जहान का सामान पीछे तो ना हुआ, सारे बैग उधर, सारी डिगी मेरी सामान से भरी हुई है। एंड में एक तगमा मुझे आज मिला है दो दिन से, जो मैं उसको देख रहा हूँ लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं? क्या चीज है वो? है जी लकड़ियों का बोरा, उसकी बुर निकल रही है, और उसकी बुर निकल रही है, पूरी गाड़ी के अंदर जा रही है। वो कहता है भाईजान ये नहीं निकलेगा, मतलब सारे बैग निकल जाएंगे। अड़ी तो दिमाग में यही है कि ये फॉर्च्यूनर में रखना है, अब ये नहीं पता कि ये फॉर्च्यूनर में नहीं रख रहा है, शाह के ऊपर रख रहा है। ये कई फॉर्च्यूनर भागती है, ये देख शीशे खुले हैं, मिट्टी उड़ रही है बारिश के कारण, हम पैक हुए हैं, और वो देखो जैसे लोडर गाड़ी जा रही है। मैं बहुत तंग हूँ इस बंदे का थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा ना अभी इस टूर में नहीं कर सकता, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको इसी तरह को ना लाहौर छोड़ के आएंगे, ठीक है? बिल्कुल जरूरत नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये हमारे साथ आए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने सरदारी बनाई हुई है अपनी, सरदार हुकूमत बनाई हुई है, हुकूमत में इसके टोटल 9 लोग हैं, और 9 वो 9 लोग हैं जो इसके साथ नहीं है, और ये समझता है मेरे साथ है, ठीक है? सिर्फ इसका हुक्म चलता है फॉर्च्यूनर पे, ठीक है? वो गाड़ी अल्लाह ने कुदरती ऐसी बना ली है कि वो उसको परवाह नहीं, ठीक है? लेकिन उसका बस चल रहा है कि इसको कुछ मतलब कि कुछ करूं, कुछ करूं, देखो जाके देखे खड्डे के ऊपर खड़ी, अच्छा ये देखेगा इसके टायर इसको जीरो, ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल हो गया, टायर डन लो, कॉन्टिनेंटल के टायर डाले हैं, 2 लाख रुपए के टायर है, आराम से खड्डा, फॉर्च्यूनर डग 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 डग। फिर आए जी अपनी तरफ से पूरे जैकी चैन बन के, लेकिन बेसिकली एक आर्ट है जो ये खड़ा है, इसको अंदर बैठ के भी काम हो जाता है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं अल्लाह ने क्या एक वो मसला है जो मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है? आए, आए। ये अली भाई है हमारे, इधर देख, अभी 1 घंटा 35 मिनट हम लोग यहाँ पे, हाँ। अगर हम वाटरफॉल जाते हैं ना, हाँ। वो भी 1.5 घंटे का रास्ता, हाँ। ठीक है, हाँ। पांडे जी क्रॉस करके इसी वाटरफॉल को सीधा कंटिन्यू करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे खपलू। नहीं, नहीं, खपलू
खपलू जाए, ठीक है, मतलब कैलिस जो है ना उससे हमें खपलू जाना होगा, यहाँ से हम जाएंगे, अगर हमने जाना वाटरफॉल इधर जाना पड़ेगा, अगर हम जाते हैं खपलू तो हम जाएंगे यहाँ। एक लोटे ने मशवरा दिया है, थोड़ा सा पहली दफा उसकी बात समझ आई है, तो कह रहे आप पहले चले जाओ इधर शिगर, यानी शिगर से मुराद है डेजर्ट, डेजर्ट आप अभी कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप चले जाओ खपलू, वहाँ से वापसी सीधा गर्दू चले जाना उधर। वो बात सही है, लेकिन डेजर्ट में जो रात का मगरिब वाला सीन होगा ना वो बड़ा खूबसूरत होता है, तो वही बना हुआ ना, लेकिन ये कि मैं भी उसको भी ये समझाया था, जो सनसेट के बाद आग जला के डेजर्ट में ना बैठने का जो जरा फील आएगी ना। अभी देखो अब पहले कहाँ जा रहे हैं, अब हम वाटरफॉल चले जाते हैं, फिर कपलू रहने देते हैं, ये चल लेते हैं, फिर वो कर लेंगे। कपलू यहाँ से 61 किलोमीटर था वाटरफॉल, तो आधा रास्ता कपलू कितना का गया, कपलू 98 है यार। ये सीधी रोड, सीधी रोड में सीधा कपलू राइट साइड, ऐसा कर लो, ऐसा करो वाटरफॉल के रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब रोड कंडीशन देख के डिसाइड कर लेना। बस बिल्कुल टेस्टलेस लोग हैं, उसको पता ही नहीं है हमने डेजर्ट में क्या करना है, उसको कुत्ता मुंह नहीं लगाता। नाजरीन ये बंदा था जिसको हमने अभी आपने दिखाया, आके हुकूमत की है उसने, लेकिन हमने उसकी किसी की नहीं सुनी, सब ने उसको इग्नोर किया, आके अपनी प्राइवेट डेफिशिएंसी मारी है कि 7 बजे उठा ये लेट है सब कुछ, और एंड तक चाहे 11 बजे तक ये पीता रहा, सारा कुछ इसने किया है, और एंड आके हो गया मतलब कि जवाब नहीं है उसके पास, हो गया, लेकिन अब उसको पता था मैं गलत हूँ नाजरीन देखे, लेकिन हमने उसकी एक बात, किसी बंदे, ये बंदे बैठे हैं, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जो उसने कहा हमने हम इनकार, ठीक है, और पता नहीं अपने आप को हुकूमत में फॉर्च्यूनर बैठ के समझ रहे कि सच कर दूं मेरा है, लेकिन ये नहीं इसको पता कि यहाँ पे बहुत बड़े मसले हो सकते हैं, ठीक है, अभी इसको हमारा पता नहीं है। मैं चाहूंगा भी सारे भाइयों को कि जिंदगी में अगर इसके साथ हो यूटर्न ले ले। तो अब हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर था, आज हमने खारमंग डिस्ट्रिक्ट में खामोश वाटरफॉल सबसे पहले विजिट करनी थी, शिगर और मंडोका वाटरफॉल पहले भी विजिट किया था लास्ट टूर में, सो इस दफा हमने ये डिसाइड किया कि ये चीज जो पहले डिस्कवर नहीं की उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। सो वी एग्जिटेड स्कर्दू फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, सो स्टिल ऑन आवर वे टू खारमंग, खामोश वाटरफॉल के रास्ते में भी जा रहे हैं, मौसम बड़ा जबरदस्त है, बट द ओनली प्रॉब्लम एट सच सीनिक प्लेसेस इज कि आपका हर जगह रुकने का दिल करता है, एंड ये कैलकुलेशन सबसे मुश्किल होती है कि हम अगर यहाँ रुक जाएं, वहाँ रुक जाएं, इस स्पॉट पर रुक जाएं, तो हमारा कितना टाइम बचेगा, हम कितने लेट होंगे, नहीं होंगे। जियोपॉलिटिकली ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनीमर्ग वाली व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि जिन एरियाज में हम गए थे वो LOC से काफ़ी करीब थे और वहाँ से भी रोड कनेक्ट करती थी कारगिल सेक्टर की तरफ, लेकिन जो ये वाली रोड है जिस पे हम आज ट्रेवल करके जा रहे हैं और इसमें हम खामोश वाटरफॉल तक जाएंगे, खामोश वाटरफॉल से आगे ये रोड पब्लिक एक्सेस में नहीं आती, शायद उसकी भी कोई स्पेशल परमिशन होती हो जिसके बारे में मुझे फिलहाल तो नॉलेज नहीं है, लेकिन खामोश वाटरफॉल से भी LOC का जो बॉर्डर है वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे रह जाता है, और यही वो जगह है जहाँ पे कारगिल सेक्टर लोकेटेड है, कारगिल की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो भी इन्हीं एरियाज में हुई थी। LOC पे पाकिस्तान और इंडिया की जो पोस्ट हैं वो काफ़ी करीब हैं, कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे वो पोस्ट रह जाती हैं, LOC से कारगिल सिटी भी काफ़ी नज़दीक है, कारगिल इटसेल्फ एक डिस्ट्रिक्ट है। मुझे क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसलिए मैं हर व्लॉग में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी बीच में ले आता हूँ, एंड आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट टू डिस्कस इट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिन एरियाज़ को विजिट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि वो मैप पे लोकेटेड कहाँ है तो फिर फ़ायदा ही क्या। रोड कंडीशन जो है वो टोटली इस एरिया में बहुत अच्छी थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 3-4 साल पहले स्कर्दू और सराउंडिंग की जितनी रोड्स थी वो काफ़ी उनकी हालत ख़राब थी, और उनमें से मेजोरिटी रोड्स पिछले कुछ अरसे से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, एंड वी वर क्वाइट लकी कि हमें हर जगह रोड्स बड़ी अच्छी मिल रही थी जब से हम स्कर्दू आए, क्योंकि मेरे लिए ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ड्राइविंग प्लेजर इन रोड ट्रिप्स इज अ मस्ट डू थिंग। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार या तो रोड हो या रोड हो ही ना, अगर रोड हो तो बिल्कुल ठीक हो, अगर बिल्कुल ठीक नहीं है ना तो दरमियानी या गुजारे लाइक रोड होने से बेहतर है कि रोड ही ना हो और आपको पता हो कि आप ऑफ रोड जा रहे हैं, आप उस नज़रिए से चलें। और एक और चीज़ जो इस ट्रैक पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की वो थी दरिया की विड्थ, गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे नॉर्थ पाकिस्तान में मैंने तकरीबन हर दरिया देखा है, बहुत कम स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दरिया बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है और वाइड स्प्रेड होने के बावजूद फ्लो एक जैसा हो, ये वो जगह थी जहाँ दरिया बहुत वाइड था और फ्लो बिल्कुल इक्वल था।
फिर से वही हरकत, एक और छोटा सा स्टॉप, लेकिन क्या करें, इतनी प्यारी फार्म लैंड्स हैं, एप्रिकॉट ट्रीज लगे हैं, बागात हैं, चाहे एक मिनट के लिए क्यों ना रुकें, लेकिन ये फील लेना भी ज़रूरी होती है। ये लोग बड़े अच्छे हैं यार, यहाँ के माशाल्लाह पूरे जीबी के लोग बड़े अच्छे हैं। वैसे तो बग़ैर इजाज़त के किसी के दरख्त से तोड़ के चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर भी लेते हो जैसे हमारे लड़कों ने कर दिया है, ये लोग कभी माइंड नहीं करते। तो चलो अगर कर दिया है तो उसके बाद ये करना चाहिए कि जो भी यहाँ बंदा आए उससे अच्छे से मिल के उससे माजरत करके कि यार ये हमने ले लिए चीज़, इजाज़त लेके खानी चाहिए। जब भी आते हैं हमेशा यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स, कहीं पे भी सीजनल फ्रूट्स हों, डायरेक्ट बाग से तोड़ के खाने का बड़ा मज़ा आता है। बट दिस इज़ द बेस्ट, नेचर से ज़्यादा लग्जरी किसी चीज़ में नहीं। पूरी कायनात भी मिल जाए ना तो एक इतनी सी चीज़ नहीं बना सकती, कुदरत ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बना के हमें दे दी है फॉर फ्री, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग यू खामोश वाटरफॉल। अब तो हो गए ना पैसे पूरे। आई डोंट थिंक सो कि कैमरे में इसका व्यू कोई बहुत अच्छा आ रहा होगा, बट लिटरली ये जगह बहुत प्यारी है और मैंने भी इसकी पिक्चर्स पहले जो देखी हैं रियल में ये उससे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। इसका नाम तो खामोश वाटरफॉल है पर इसका अच्छा खासा शोर है। गाइज ये सुहेल अहमद भाई जो हैं, ये सारी जगह इनकी फैमिली की है, इनकी प्राइवेट ओनरशिप है। जब भी आप लोग आओ इस जगह पे, इट्स रियली वर्थ कमिंग। अगर अभी ये जगह इतनी ज़बरदस्त लग रही है तो मैं सुहेल अहमद भाई के मोबाइल में आपको विंटर का सीन दिखाता हूँ, एट दैट टाइम ये कैसा लगा। And do meet this guy. Thank you so much, bhai. Aapki mehmaan nawazi ka bahut shukriya. Allah hafiz. Abhi ye log Fortuner ke tyres ko thode hawa wagaira pressure kam kar lenge. Iska to low profile hai, itna zarurat nahi hai. तो सर चारों टायर के बाद बैलेंस करके थोड़ा सा कम कर लिए।
आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये चीज हमारे प्लान के बरक्स हुई कि हम डेजर्ट में रात को पहुंचे। अब ये स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा या काफी लोग यहाँ पे आए भी होंगे, इसे कटपना डेजर्ट भी कहते हैं, सरफरंगा भी कहते हैं, मल्टीपल नेम्स से रेफर किया जाता है। हमारा प्लान ये था कि हम सनसेट के करीब या असर के वक्त इस जगह पे पहुंच जाएं, सो वी गेट टू एंजॉय बोथ व्यूज। हम दिन के व्यूज भी ले लेंगे, हम गोल्डन आर्क भी लेंगे, सनसेट भी लेंगे, हम रात का टाइम भी ले लेंगे, लेकिन फिर जिंदगी में इतनी ख्वाहिशात एक साथ पूरी नहीं होती, लेकिन जितनी सी जो हो गई वी आर मोर देन हैप्पी फॉर दैट। डेजर्ट में माना कि दिन को मजा आना था, दिन में आते तो बहुत अच्छे व्यूज कैप्चर हो जाते, बड़ी आला ड्राइविंग का मुजाहरा भी किया लेकिन कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बट रात को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन डेजर्ट में रात का एक अपना सहर होता है। ये जो लोग डेजर्ट को समझते हैं या बड़ा पसंद करते हैं तो वो इस चीज़ से हमेशा एग्री करेंगे कि डेजर्ट में रात का एक अपना ही चार्म है, एक करिश्मा है उसका, और उसका एक थ्रिल है जो दिन में नहीं आता। बट सनसेट के टाइम आने का यही फायदा होना था कि दिन का व्यू भी इंजॉय करते हैं और रात का भी करते हैं। मैं जितने भी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लूँ लेकिन उस फीलिंग की अकासी नहीं हो सकती जो इस वक्त डेजर्ट में गाड़ी चलाने का मज़ा आता है। मुझे पर्सनली डेजर्ट ड्राइविंग इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये वाहिद ऑफ रोड होता है जहाँ पे आप गाड़ी दबा सकते हैं। बाकी तमाम ऑफ रोड्स में आप गाड़ी तेज़ नहीं चलाते, आप गाड़ी खींच नहीं सकते। रेत में गाड़ी का जो एक्सपीरियंस आपको आता है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ, लाइक अगर आपने कभी सर्फिंग की हो, सेलिंग की और फ्लाइंग की हो, इन तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस को मिक्स कर दें, जो एंड रिजल्ट निकलता है वो डेजर्ट की ड्राइव की फील है। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम डेजर्ट के सेंटर में ही कहीं पे जाके या मिड में कहीं बैठ के वहीं पे खाना शाना खाएंगे और वहाँ पे अपना सेटअप लगाते हैं, लेकिन फिर हमें हमारे गाइड ने मशवरा दिया कि हम उनके कैंप पे चले जाएं, वहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें पहले से ही सेट मिल जाएंगी, लाइक चेयर्स और इक्विपमेंट वगैरह, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, हमने फिर ऐसे ही किया कि हम उनके कैंप पे वापस आ गए। हमने ये भी प्लान किया था कि हम डिनर जो है वो सरीना शिगर में जाके कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फील आ रही थी ना वो हर चीज़ से ऊपर थी। सेकेंडली हमने यहाँ पहुँचने से पहले ही पुलाव प्रिपेयर करके अपने साथ रखा हुआ था, सो वी थॉट कि वो भी वेस्ट हो जाएगा। फिर हमने पुलाव को फ्रेश किया और चिकन ग्रिल करना स्टार्ट किया, लकड़ियों को आग शाग लगाई, लाइटें सेट की गाड़ियों की, म्यूजिक लगाया, ऊपर तारे चमक रहे थे, नीचे रेत थी, दूर दरिया की आवाज थी, हल्की हल्की ठंड थी, पहाड़ों के साए थे, आसमान के बेहतरीन रंग थे और आसपास अल्लाह ताला की बेशतर मखलूकात थी, चिरिंद पुरिंद थे, जन्नात थे, फरिश्ते थे, लेकिन इंसानों में सिर्फ हम थे, हमारे अलावा भी हम थे और हमारे साथ भी हम थे, और हम बड़े खुश थे। Guys, this is it for today. I hope you liked the vlog. आज का दिन काफ़ी ज़्यादा जो था वो अनप्लान्ड ही था। हम जब निकले थे होटल से हमें ये भी नहीं पता था कि हम खामोश वाटरफॉल पहले जाएंगे और बस बाय चांस हम लोग वहाँ चले गए। इट वॉज़ एन अमेजिंग प्लेस, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ज़बरदस्त जगह थी। ट्रैक बहुत अच्छा था, रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी, बड़ा पीसफुली वहाँ गए हैं आराम से और रास्ते में व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त थे। उसके बाद हम जब डेजर्ट पहुँचे, कोशिश तो थी कि हम डेलाइट में आए लेकिन अंधेरे में आ गए, डेजर्ट के अंदर भी घूमे, ऑफ रोडिंग भी अच्छी खासी कर ली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। विल वेट फॉर इट। अल्लाह हाफिज़।